हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, असफलता हर किसी इंसान की लाइफ का एक हिस्सा है और हर इंसान, चाहे वो आज कितना भी सफल क्यों ना हो, उसने असफलता का सामना जरूर किया है। पर लेकिन कुछ लोग उन असफलताओं को पार करके सफल हो गए और कुछ लोग उन्हीं असफलताओं में गिर कर रह गए और हार मान गए। तो दोस्तों, जो आज की हमारी कहानी है उसमें मैं बताऊंगा कि आप असफल क्यों हैं और जो लोग सफल हैं वो सफल क्यों हैं, क्या कारण है कि वो सफल हो गए और आप सफल नहीं हो पाए। तो आज का जो टाइटल रखा है वो मैंने रखा है असफलता का कारण, कि आपकी असफलता का कारण क्या है। तो एक बार क्या हुआ, एक आदमी कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे पर देखा कि वहां पे कुछ हाथी बंधे हुए थे और वो उन्हें देख के अचानक रुक गया। उसने देखा कि मतलब हाथियों के अगले पैरों में एक छोटी सी रस्सी बंधी हुई थी। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार, हाथी इतना ताकतवर है, इतना विशालकाय जानवर है, फिर भी मतलब लोहे की जंजीरों की जगह बस एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है। इसे तो लोहे की जंजीरों में बंधा होना चाहिए था, रस्सी को तो ये आसानी से तोड़ के भाग सकता है, तो भाग क्यों नहीं रहा, एक जगह खड़ा हुआ क्यों है। तो जो महावत होता है हाथी को चलाने वाला, तो उसके पास गया और पूछा, यार मतलब ये किस प्रकार इतना शक्तिशाली होते हुए भी मतलब शांति से खड़ा है और भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। तो तब महावत ने कहा कि जब ये हाथी छोटे होते थे तो तब हम इन्हें इन्हीं रस्सियों से बांधते थे और उस समय इनके पास ताकत नहीं होती थी, तो ये उस बंधन को तोड़ने की पूरी कोशिश करते थे, पर लेकिन इनकी ताकत के कंपेरिजन में ये रस्सी काफी मजबूत होती थी और ये उसे तोड़ नहीं पाते थे। तो इनके कारण उन्हें धीरे धीरे यकीन होने लगा कि इस रस्सी को तोड़ा नहीं जा सकता। तो जैसे जैसे ये बड़े होते गए, इन्होंने कोशिश करनी बंद कर दी, पर लेकिन इनके पास उस रस्सी को तोड़ने की ताकत आ गई, पर लेकिन तब तक ये खुद पे भरोसा कर चुके थे, अपने दिमाग के अंदर बैठा चुके थे कि इस रस्सी को तोड़ा नहीं जा सकता। तो वो आदमी आश्चर्य में पड़ गया कि यार, इतना ताकतवर इंसान मतलब ताकतवर जानवर फिर भी अपना बंधन इसलिए नहीं तोड़ सका क्योंकि उसे यकीन हो गया कि इस रस्सी को तोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि वो ऐसे ही तोड़ सकता है उस रस्सी को आसानी से और भाग सकता है। तो दोस्तों, इन हाथियों की तरह हमने भी कितने लोग मतलब सिर्फ जो सफलता हमें मिली है उसी के कारण हम मान बैठे हैं कि ये काम हमसे नहीं हो सकता। सपोज करो हम किसी चीज को कर रहे हैं और उसमें हम असफल हो गए, तो हमने अपने दिमाग में बैठा लिया कि हम इस काम को नहीं कर सकते, पर लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में जकड़े हुए हैं हम और उसी में जकड़े हम पूरा जीवन गुजार देते हैं, जो कि हमारी सच्चाई नहीं है। हमारे अंदर उसी हाथी की तरह बहुत ज्यादा ताकत है, पर लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। याद रखिए, असफलता जीवन का एक हिस्सा है जो हर किसी की लाइफ में आती है, और जो लोग निरंतर प्रयास करते हैं उन्हें ही सफलता मिलती है। जो लोग उसी हाथी की तरह अपने मन में बैठा लेते हैं कि इस बंधन को तोड़ा नहीं जा सकता, वो कभी भी सफल नहीं हो सकते। उन्हें हमेशा असफलता ही मिलती है और वो बार बार यही सोचते जाते हैं कि ये काम भी मुझसे नहीं होगा, दूसरा काम किया उसमें भी असफलता मिल गई, ये काम भी मुझसे नहीं होगा। पर लेकिन आपको कोशिश करनी होगी। यदि आप भी ऐसे किसी बंधन में बंधे हैं जो आपको अपने सपने को सच करने से रोक रहा है, तो उसे तोड़ डालिए, क्योंकि आपको जिस रस्सी ने बांध रखा है, मेरा यकीन कीजिए, आप उस रस्सी से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। आप उसे एक झटके में ही तोड़ सकते हैं और खुद को आजाद कर सकते हैं। तो असफलता थोड़े टाइम के लिए है, बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, थोड़ी सी, और आप सफलता के दरवाजे खोल सकते हैं खुद के लिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।